Assalamu alaikum, dear students, how are you all? Hope you're all fine. Now open your maths book, unit number 8, fraction, page number 77. तो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने फ्रैक्शंस के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमारे पास हमने हाफ के बारे में रीड किया था कि हाफ क्या होता है, उसके अलावा क्वार्टर क्या होता है, और मोर फ्रैक्शंस के बारे में भी डिस्कस किया था. तो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बारे में बताएंगे, क्योंकि हमारे पास अगर कोई फ्रैक्शन होती है ना, तो उसमें हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट ऊपर वाला उस लाइन से, एक पार्ट नीचे वाला. ठीक है, इस तरह, इस फॉर्म में अगर हमारे पास फ्रैक्शन है, ठीक है, हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट ऊपर और एक पार्ट नीचे. ठीक है स्टूडेंट्स, हम शेडेड एरियाज को हम ऊपर ऐड करते हैं, और टोटल नंबर्स या टोटल पार्ट्स जो हमने डिवाइड किए होते हैं, उसको हम नीचे इस साइड पे डिनोमिनेटर में ऐड करते हैं. तो स्टूडेंट्स, इनके इन फ्रैक्शंस के नेम भी होते हैं. ठीक है, जैसे अब ऊपर वाले पोर्शन को हम न्यूमरेटर कहेंगे और नीचे वाले पोर्शन को हम डिनोमिनेटर कहेंगे. ठीक है, तो हम इसके बारे में अब रीड करते हैं कि न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है. वी नो दैट वन और मोर पार्ट्स टेकन और कंसिडर आउट ऑफ अ होल. ठीक है, हमें पता है कि उन तमाम होल पार्ट में से वन या वन से ज़्यादा पार्ट्स हम मतलब निकाल लेते हैं. ठीक है, कभी हमें टू एरिया शेड करने पड़ते हैं, कभी हमें थ्री, कभी हमें फोर. अब यहाँ पे देखें, टू एरिया शेड हैं. ठीक है, दिस नंबर इज़ कॉल्ड अ फ्रैक्शन. तो हम इनको कहते हैं फ्रैक्शन. ठीक है, अब फ्रैक्शन हैज़ टू पार्ट्स, और फ्रैक्शन के कितने पार्ट्स होते हैं, टू पार्ट्स होते हैं. जैसे कि अभी मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि टू पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट ऊपर की तरफ होता है लाइन सेगमेंट के, और एक नीचे की तरफ होता है. ठीक है, अ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. अब दो पार्ट्स के नेम क्या हैं, एक का नाम न्यूमरेटर है और दूसरे का डिनोमिनेटर है. द न्यूमरेटर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पार्ट्स कंसीडर. ठीक है, वो उन नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है जो हमने पार्ट्स अलग किए होते हैं. एंड द डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इन टू विच वन होल इज़ डिवाइडेड. मतलब एक होल, मतलब पूरे होल पार्ट्स को वो डिस्क्राइब करता है डिनोमिनेटर. ठीक है, वी ड्रॉ अ लाइन बिटवीन द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर. और हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के मिड के में. ठीक है, ये लाइन ड्रॉ करते हैं. और स्टूडेंट्स, इसमें क्या है कि दिस लाइन इज़ कॉल्ड द फ्रैक्शन लाइन और द डिवाइडिंग लाइन. और इस लाइन को हम फ्रैक्शन लाइन भी कहते हैं और डिवाइडिंग लाइन भी कहते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक हमारे पास स्क्वायर है, ठीक है, उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, वन पार्ट में शेड कर दिया, तो हमारे पास उस होल की फ्रैक्शन क्या आ जाएगी, वन बाय टू. फर्स्ट पार्ट को हम न्यूमरेटर कहेंगे, सेकेंड को डिनोमिनेटर. इसके अलावा अगर हमारे पास कोई सर्कल है, ठीक है, सर्कल को सिक्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और टू में कलर कर दिया, टू शेडेड एरियाज ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर की जगह, और डिनोमिनेटर में होल पार्ट आ जाएगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स. ठीक है, राइट द फॉलोइंग एज द फ्रैक्शन, एज फ्रैक्शन. तो स्टूडेंट्स, अब हमने इसको फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन में चेंज करना है, और उसको हमने बताना है कि कौन सा एरिया शेडेड है, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को शो करना है. ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, एक सर्कल है, उसको फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. ठीक है, टोटल पार्ट्स कितने हैं, फोर. ठीक है, और वन पार्ट शेडेड एरिया है. ठीक है, डिवाइडेड इनटू डैश टोटल पार्ट्स एंड डैश पार्ट इज शेडेड. ठीक है, अब इस सर्कल को किस में डिवाइडेड किया, डिवाइडेड इनटू फोर टोटल पार्ट्स, वन टू थ्री फोर, डिवाइडेड इनटू फोर टोटल पार्ट्स एंड वन पार्ट इज शेडेड. और इसमें वन पार्ट क्या है, शेडेड है. तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे राइट करेंगे, वन पार्ट इज शेडेड. ठीक है, एक पार्ट शेडेड है ना, टोटल पार्ट्स आर फोर, और फ्रैक्शन क्या बनाएंगे, वन बाय फोर. इसी तरह डिवाइडेड इनटू थ्री टोटल पार्ट्स, अब ये किस में डिवाइड हुए हैं, थ्री टोटल पार्ट्स में, और एंड डैश पार्ट्स आर शेडेड. कितने पार्ट्स शेडेड हैं, टू पार्ट्स शेडेड है ना, तो हमने यहाँ पे टू पार्ट्स शेडेड राइट कर देना. उसके बाद शेडेड एरियाज, अब यहाँ पे न्यूमरेटर की जगह आएगा और डिनोमिनेटर की जगह टोटल पार्ट्स आएंगे. तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखें, डैश पार्ट्स आर शेडेड. कितने पार्ट्स शेडेड हैं, टू पार्ट्स, जैसे कि हमने यहाँ पर भी राइट किया, टोटल पार्ट्स आर थ्री, और फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, टू बाय थ्री. इसी तरह नेक्स्ट टू क्वेश्चंस भी आपने खुद सॉल्व कर लेने हैं. ठीक है, नेक्स्ट पेज निकालें, पेज नंबर 78. ठीक है, इसमें हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर ए में है, शेड द फिगर अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन. तो स्टूडेंट्स, इसमें टोटल क्वेश्चन नंबर ए में टोटल 9 क्वेश्चंस हैं. ठीक है, और हमने फ्रैक्शन को देखते हुए एरियाज को शेड करना है. तो स्टूडेंट्स, अब हम इसे स्टार्ट करते हैं. तो स्टूडेंट्स, आप कोई भी कलर्स कर सकते हैं, यहाँ पे कोई कलर मेंशन नहीं है, तो आप कोई भी कलर कर सकते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन सेम ऐसा होगा जैसे हमें प्रीवियस में किया था, वन पार्ट शेडेड होगा, न्यूमरेटर वाला पार्ट हमने शेड करना होता है. ठीक है, अब यहाँ पे देखें, फाइव